हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अनुपमा सीरियल में देविका के पति धीरज कपूर का किरदार निभाकर मशहूर होने वाले एक्टर नितेश की लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उनका रियल नेम है नितेश पांडे, उनका निकनेम है नितेश। 17 जनवरी 1973 को उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है अल्मोड़ा, उत्तराखंड। उनका हाइट है 5 फीट 6 इंच और उनका वेट है 70 kg। उनकी बॉडी मेजरमेंट है चेस्ट 40 इंचेस, वेस्ट 35 इंचेस और बाइसेप्स 14 इंचेस। उनकी जोडाई साइन है वर्गो। साल 2023 में उनका रिलीज हुआ था 50। उनका हॉबीज था बुक्स लिखना, बुक्स पढ़ना और उन्हें गाना सुनना बेहद पसंद था। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो ग्रेजुएट थे। उनकी प्रोफेशन था एक्टर और राइटर। चलिए जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। 1990 में उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत की थी। 1995 में टीवी सीरियल तेजास के साथ उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। इसके बाद वो कई सारे टीवी शोज में नजर आए थे, जैसे कि साया। उन्हें आखिरी बार देखा गया था टीवी सीरियल अनुपमा में, जहां पर उन्होंने धीरज कपूर का किरदार निभाया था। मूवीज के अलावा वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी फेमस थे। उन्होंने कई सारे फिल्मों में काम किया है, जैसे रंगून, मदारी, शादी की साइड इफेक्ट्स, दबंग 2, ओम शांति ओम और भी कई सारे। नितेश आज भी फिल्म खोसला का खोसला में उनके किरदार की वजह से जाना जाते हैं। इस मूवी में उन्होंने अनुपम खेर और बोमन ईरानी के संग स्क्रीन शेयर की थी। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। उनके फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी पर्सनल अफेयर्स की बात की जाए तो साल 1998 में उन्होंने टीवी एक्ट्रेस अश्विनी कालेसकर के संग शादी रचाई थी। उनकी शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई थी, 4 साल बाद ही दोनों ने डिवोर्स ले लिया था। इसके बाद एक्टर ने टीवी एक्ट्रेस अर्पिता पांडे के संग शादी रचाई थी और दोनों एक साथ ही खुश भी थे। चलिए जान लेते हैं उनकी इनकम के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो पर एपिसोड के लिए वो 4 लाख रुपए लेते थे। उनका नेट वर्थ थे 5 करोड़। चलिए देखते हैं उनकी कार कलेक्शन। उनके पास टाटा हेरियर मॉडल की कार थी जिसका कीमत था 30 लाख। ये बहुत ही दुखद भरी बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। कार्डियक अरेस्ट के दौरान उनका निधन हो गया है। फिलहाल हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।